हाय एवरीवन, मैं हूं सोमनाथ एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिक डॉक्टर्स। सो गाइस, एक लैपटॉप आया है अभी, एक वेंडर ने हम लोगों को भेजा है लैपटॉप, जो कि लैपटॉप का कंडीशन बहुत ही ख़राब है। तो देखिए, यहां पे डेल का एक्चुअली मदरबोर्ड है, यहां पे एक आईसी लगा हुआ था जो कि यहां पे आईसी नहीं है, यहां पे एक मॉसफेट था, मॉसफेट नहीं है, यहां पे कैपेसिटर लगा हुआ था, कैपेसिटर नहीं है। मतलब इतना कंडीशन बुरा कर दिया, उसी के बावजूद ये लोग कैसे सोचते हैं कि ये बोर्ड रिपेयर हो जाएगा, कि कुछ पता नहीं कौन किया है, ऐसा जानबूझ के किया या कि कुछ। तो लैपटॉप का मैं दूसरा साइड एक बार ओपन करता हूँ, देखता हूँ उस साइड क्या कंडीशन है। रैम लगा हुआ है इसका, 4 GB का है, और मैं बोर्ड ओपन करता हूँ, देखता हूँ उस साइड क्या कंडीशन है लैपटॉप का। ये हो गया बोर्ड का ऑपोजिट साइड, इस साइड का भी हालत ऐसा ही है। यहाँ पे 2 MOSFET लगा था, 2 MOSFET यहाँ से हटा लिया, और यहाँ पे 1 MOSFET हटा के यहाँ पे जम्पर कर दिया। मतलब कि इतना बुरा सिचुएशन कर दिया बोर्ड का, और ये बोर्ड शायद होने का लायक ही नहीं बचा है। ये पार्ट नंबर है इसका LAD071P, डेल का ही है। फिर भी जो जो भी इसने ऐसा किया है, हम लोग कोशिश करेंगे जो आईसी खोल लिया, वो आईसी और मॉसफेट लगा के देखते हैं क्या सिचुएशन है। उसके बाद अगर पता चले कि CPU शॉर्ट है इसका, तो फिर हम लोग काम भी बेकार जाएगा। जो भी है, हम लोग को तो काम करना ही पड़ेगा, उसके बाद देखते हैं क्या कंडीशन होता है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लैपटॉप अगर रिपेयर करवाना है तो ज़रूर कॉल कीजिए 7890721954। सो थैंक यू फॉर द मोमेंट एंड बाय बाय।